जब भी हम लेडीज़ को किसी ओकेजन पर बाहर जाना पड़ता है तो वार्डरोब खोलकर कपड़ों पर गहरी नज़र डालते हुए जहन में उठने वाला कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? ओह माय गॉश, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं, अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारी नुस्वानी फितरत, और दूसरी बड़ी वजह वार्डरोब का अनऑर्गेनाइज्ड और बेतरतीब होना। पड़ी हुई चीज़ नज़र नहीं आती और रिजल्ट कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं। तो देख लेते हैं कि मैंने अपनी वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगर हेल्पफुल हो देन डू लेट मी नो, एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर योर सजेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF। सीजनल एंड ओकेजनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मैं ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 2 मंथ्स वार्डरोब की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर लेती हूँ। अदरवाइज खोलें तो ये हाल होता है, क्योंकि हम एक दफ़ा चीज़ निकालते हैं ना या फिर वापस रखते हैं तो उस तरतीब और परफेक्शन का ख्याल समटाइम्स नहीं रख पाते। कभी कभी तो हम जल्दी में होते हैं या फिर टाइम की कमी की वजह से हम चीज़ों को अच्छे तरीके से रख नहीं सकते। तो आज मैं ये वाली जगह यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि और पहले की ऑर्गेनाइजेशन अगर आप वीडियो देख चुके हैं, लिंक मैं फिर से डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए थे जो आज मैं थोड़ा स्किप करने वाली हूँ। हाँ, शेयर आपके साथ ज़रूर करूँगी ताकि आपको आइडिया मिल सके, अगर आपके लिए उस तरह से हेल्पफुल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि वार्डरोब को खाली कर लेना। तो सारी को खाली करने के बाद उसकी कुछ इस तरह की पोजीशन हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन किस किस तरह से मुझे अवेलेबल हैं मेरी वार्डरोब के अकॉर्डिंग। ये रॉड में फिक्स हुआ हुआ ऑलरेडी फ्लीस का बना हुआ ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो उसके बाद एक मैं बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक दुपट्टा लिया है लॉन का, मेरे पास फालतू दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद इसके दोनों किनारों पर तकरीबन 4-4 इंच इस तरह से फोल्ड देकर हैंगर लगाकर इस तरह यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों तरफ से हैंगर लग जाएंगे तो एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। सेंटर में इस तरह से मेरे पास एक प्लास्टिक का लिड पड़ा हुआ था, आप बच्चों का क्लिपबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद ज़बरदस्त सा मेरा ऑर्गेनाइज़र और बिल्कुल मेरी वार्डरोब की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसको पहले मेजर कर लिया था, फिर साइडों से इसको मैंने 4-4 इंच फोल्ड दिया था तो मेरी पूरी लेंथ आ गई। उसके बाद ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो आप डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र है, ये सर्कुलर ऑर्गेनाइज़र है, और इसके देखें कितने सारे इसके सेक्शंस बने हुए हैं। इन सेक्शंस में आप अपने दुपट्टे, अपने स्ट्रॉलर्स या कोई भी चीज़ आप हैंग कर सकते हैं। उसके बाद एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आता है, इसको आप चाहें तो इस तरह से यूज़ कर लें, इसमें भी सेक्शंस बने हुए हैं, इनको यूज़ कर लें, और चाहें तो आप इसको इस तरह से वर्टिकली यूज़ कर लें तो आपकी स्पेस जो है काफ़ी बच जाती है वार्डरोब के अंदर। इस तरह से भी इसको हैंग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है इस तरह का सेफ्टी पिन, जैसे हुक जैसा ऑर्गेनाइज़र है, ये मोस्टली मैं साड़ियों के लिए यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी इसके अंदर फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद इस तरह के ये मेटालिक स्टील के बने हुए ऑर्गेनाइज़र हैं, डिफरेंट स्लॉट्स इसमें दी गई हैं 4 से 5, इसमें आप अपनी पैंट्स, अपनी ट्राउज़र्स, जो कुछ भी है, दुपट्टे आप हैंग कर सकते हैं। इसी तरह ये रेड वाला है, तो ये आजकल बहुत ईजीली अवेलेबल है दराज पर। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज़र्स हैं, अगर हमारे पास इस तरह के डिफरेंट टाइप के हैंगर्स हैं ना, जैसे ये है दोनों तरफ क्लिप्स लगे हुए हैं, तो ये मेरे टैंक टॉप्स, कोई भी इस तरह के इनर्स होती हैं, हमारी जो लाइनिंग्स होती हैं या हमारी वेस्ट कोट वगैरह होती हैं, उनको हैंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसी तरह से ये तो बहुत ईजीली अवेलेबल है ना, तो ये दुपट्टे वगैरह, स्ट्रॉलर वगैरह हैंग करने में बहुत यूज़फुल होता है। फिर इस तरह के ये जो अनस्टिच कपड़ों के आते हैं ना, इनको कैसे यूज़ करूँगी आगे चलकर बताऊँगी। तो ये भी एक डिफरेंट स्लॉट्स वाला मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैं अपनी सारी जो सॉक्स वगैरह हैं उनको एडजस्ट करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ये मैंने खुद से बनाया हुआ है कपड़े के साथ, तो इसको भी मैं अपने जितने भी ब्राज वगैरह हैं, अंडर गार्मेंट्स हैं, उनको सेट करके रखने में यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मिनीसो से लिया हुआ, ये भी बड़ा अच्छा फ्लेक्सिबल सा है, इसमें मैं जितने भी सैनिटरी नैपकिनस हैं उनको रख लेती हूँ। उसके बाद ये जो है ना, ये आज मैं यूज़ नहीं करने वाली, मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस तरह मैंने लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था, इसके अंदर मैंने अपने सारे ये स्ट्रॉलर्स वगैरह, स्काफ वगैरह रख लिए थे। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मैंने जितने भी मेरे न्यूट्रल कलर के जो ट्राउज़र्स हैं एक से दूसरी जगह पर यूज़ होते हैं वो रख लिए थे, और इसमें मैंने जितने भी दुपट्टे एक्स्ट्रा होते हैं ना वो रख लिए थे, और इसके अंदर भी इसी तरह मेरी डिफरेंट शलवारें, अबाया वगैरह और नाइट सूट वो रख लिए थे, और ये जो थे इनके अंदर मैंने जितनी भी मेरी इनर लाइनिंग्स होती हैं, ब्लैक होती है, वाइट होती है, टैंक टॉप्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, जो छोटे साइज़ की होने की वजह से इनके अंदर, इन क्लिप्स के अंदर बड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं। तो इस तरह का हुक वाला, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो लास्ट टाइम मैंने इसको अपनी साड़ी के लिए यूज़ किया था, इसलिए शेयर किया कि अगर आप ये आइडिया यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो के क्लिप्स हैं, इनको मैंने
नीचे का जो मेरा सेक्शन था ना उसमें इस तरह से लगा दिया था, लेकिन अब मैं इसको इस तरह से नहीं लगाने वाली। इस वाले सेक्शन को मैं अब स्पेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये हैंगर्स अब मैं यूज़ नहीं करने वाली। समटाइम्स ये होता है कि इनमें से पिक करना मुश्किल होता है या ये सारी ही वर्टिकल स्पेस ले रहे होते हैं, तो मैंने आज एक नया तरीका अपनाया, नया ऑर्गेनाइज़र लिया है, वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप इसको भी यूज़ करके अपनी जगह को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, आपको बताती हूँ। ये मैंने दराज से ऑनलाइन लिया था, सेट ऑफ 4 था ये। और इसके पैरामीटर्स की बात करें तो लेंथ इसकी ऑलमोस्ट 2.5 feet है और 1 feet इसकी हाइट है, और 7 इसमें सेक्शंस बने हुए हैं जिनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये 4 बाय किए हैं, इसमें से एक में सारे जितने भी टॉवल्स एक्स्ट्रा होते हैं ना, एक तो घर में यूज़ हो रहे होते हैं, दूसरे जो मैंने सबका स्पेयर रखा था वो इसके अंदर रख देती हूँ। फिर हमारी जो बेडशीट्स बेड स्प्रेड्स होते हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छे एडजस्ट होते हैं। तो देखिए 7 कंपार्टमेंट्स में हमारे बेडशीट जो हैं वो उनके अपने डेडिकेटेड जगहों पर जाकर इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ और पिक करनी भी ईजी हो जाती हैं। ये तो हो गया बेडशीट्स वाला सेक्शन, लेकिन हम अपनी वार्डरोब की बात कर रहे थे, वहाँ मैं इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ। जैसे ये हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रल कलर के वाइट, ब्लू, ब्लैक, बेज या डिफरेंट ऑफ वाइट शेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे ट्राउजर्स होते हैं जिनको एट टाइम्स हम हैंग नहीं करना चाहते हैं, तो उनको वैसे ही रखना चाहते हैं। डिफरेंट शलवारें होती हैं न्यूट्रल, तो ये देखें एक एक सेक्शन में दो दो शलवारें और दो दो ट्राउजर्स आ गए हैं। तो अब इनको हैंग करने के बजाय ना इस तरह से प्लेस कर दूंगी तो ऑलमोस्ट 14-15 जो है इसके अंदर आ गए हैं। अब इसको मैंने यूज़ नहीं करने वाली। लास्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया था, इसके अंदर अपने स्कार्फ्स वगैरह सारे हैंग किए थे, लेकिन अब उन स्कार्फ्स को भी ना मैं इसी ऑर्गेनाइज़र में एडजस्ट करके रखने वाली हूँ। एक एक स्लॉट में 3-3 स्कार्फ ईजिली आ गए थे क्योंकि इतने ये ज़्यादा लेंथ में भी नहीं होते, तो आराम से ये ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने। तो वो जो हैंगर था वो अब मैं किसी और जगह यूज़ कर लूँगी। साड़ी इस दफ़ा मैंने इस तरह उनके डेडिकेटेड बॉक्सेस में यूज़ किया, इस तरह से इनको पॉलीथीन कवरिंग में रख कर, ये लास्ट टाइम यूज़ की थी। अब इसको भी मैं इसी तरह से इसी कवर के अंदर रखने वाली हूँ क्योंकि ये ओकेजनली यूज़ होती है, डस्ट ना पड़े, गंदी ना हो जाए, तो इनको इनके डेडिकेटेड बॉक्स में ही रखना अच्छा मैंने समझा। उसके बाद ये जो हमारे फैंसी सूट होते हैं ना जिनके काम हुए होते हैं ऊपर बहुत फैंसी, और ये थोड़े से होते भी प्राइस और कॉस्टली हैं, तो इनको ना मैं इस तरह से तय लगाकर पहले तो उल्टा करती हूँ। उल्टा करके तय लगाकर जितने भी हमारे अनस्टिच सूटों के साथ उनके आते हैं ना पाउचेस, उनको यूज़ करती हूँ अपने इन ओकेजनल और शादियों वगैरह पर पहनने वाले कपड़ों के लिए, क्योंकि ये कभी कभी खुलने होते हैं तो ये जगह भी कम घेरते हैं। आगे चलकर बताऊंगी कि बहुत अच्छी जगह इनको मैं देने वाली हूँ। फिर ये मेरे जितने भी नाइट वेयर्स हैं ना उनको मैं इस तरह से एडजस्ट करके इनको मैं हैंग नहीं करती, इनको हैंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इनको मैं अच्छी सी तय लगा के इसका ट्राउज़र इसके अंदर एडजस्ट करती हूँ। और इसकी भी आगे चलकर आपको जगह बताती हूँ कि बिल्कुल ईजी टू पिक होता है मेरे लिए क्योंकि ये तो डेली ही पहनने होते हैं सुबह शाम। मैं ज़्यादातर तो आजकल जैसे ढीले ढाले कपड़े सारे दिन में यही चलते हैं, तो ये जितने भी दुपट्टे हैं ना जिनको ये टुक लगने का डर होता है, पहले मैंने इनको वर्टिकली हैंग किया था उन ऑर्गेनाइजर्स में, अब इस पाउच के अंदर मैं रखूँगी ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगे, कोई सुराख ना बन जाए, ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी लेने वाले दुपट्टे हैं। तो ये वैनिटी जो है इसके अंदर मैं अपने जो ज़रा कॉस्टली परफ्यूम्स वगैरह या ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि ओकेजनली यूज़ होती हैं उनको मैं इसके अंदर रख कर, क्योंकि बाहर रखो तो फिर उनकी सफाई और मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ती है, तो ये लॉक भी हो जाता है इसलिए वो सिक्योर हो जाते हैं। तो उनको मैं किस तरह से रखती हूँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि इस तरह से अगर हम हैंग करते हैं ना अपने वार्डरोब के अंदर कपड़े, जैसे मोस्टली हम लोग करते हैं पूरी पूरी लेंथ की शर्ट को इस तरह से, तो ऐसे आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, इस तरह करने के बजाय ना आपने सबसे पहले अपना ट्राउज़र लेना है, उसको इस तरह से तय लगानी है, उसका एक पूरा एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ना अपने हैंगर के अकॉर्डिंग आपने इस तरह से उसको एडजस्ट कर लेना है सबसे पहले अपने ट्राउज़र्स या शलवार को। उसके बाद उसकी इतनी डबल लेंथ देकर फिर दुपट्टे को इस तरह से लंबी फोल्ड देकर, और उसके बाद उसको दोबारा से फोल्ड देकर, और फिर से फोल्ड देकर उसको सेंटर में रख कर इस तरह से बिल्कुल उसके ट्राउज़र के साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कर लेना है। इसी तरह से आप अपने शर्ट को भी इसी तरह कर लें। आप इस तरह करके देखें, आपको अपनी शर्ट को एट टाइम्स प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, उसकी सिलवटें भी नहीं पड़ेंगी हैंग होने की वजह से। तो चलते हैं, आप देखते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र था इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, इसमें मेरे जितने क्लचेज़ और जितने पर्स वगैरह जो कि ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके अंदर रख देती हूँ, तो वार्डरोब के अंदर डस्ट भी नहीं पड़ती है, मेरी नज़रों के सामने होते हैं और आराम से मैं इनको पिक कर लेती हूँ और मुझे मैचिंग करने में भी मुश्किल नहीं होती। सबसे पहले तो सफाई कर ली मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 months के बाद मैं इसको करने लगी हूँ, क्योंकि जब समर स्टार्ट हुआ था तब किया था। अब ये देखें इस तरह हैंग करूँगी ना तो सारी जो लेंथ है ना वो ऑक्यूपाई कर रहा है, नीचे की जगह मुझे मिल ही नहीं रही।
ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर आप हैंग करेंगे ना, तो ये देखें नीचे की जगह मुझे जो है ना बिल्कुल, आगे चलकर बताती हूँ, मिल जाएगी। तो इस तरह से ये अपने हैंगर्स ऊपर वाले स्लॉट में मैं वो अपने कपड़े हैंग कर रही हूँ जो कि मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ, तो मेरे आँखों के सामने होंगे और पिक करने भी ईजी हो जाएंगे। और उसके बाद ना मैं एक ही कलर के हैंगर्स यूज़ करती हूँ, उससे ये होता है एक ही डायरेक्शन में भी रखती हूँ, हैंग किए हुए प्रेजेंटेबल और यूनिफॉर्म लुक दे रहे होते हैं। तो मैं इसको ग्रे टोन में रखा है। इसको नीचे का सेक्शन जो है ना इस तरह से ये देखें, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स हैंग किए थे मल्टी चॉइस, अब मैंने उनको स्किप कर दिया और नीचे ओकेजनली पहनने वाले कपड़े रख दिए, और नीचे जो जगह बची है वो उसके अंदर मैंने अपनी साड़ी के डिब्बे एडजस्ट कर दिए। अब आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजर की तरफ जो कि मैंने खुद DIY किया, तो उसके अंदर मैंने वो रख दिए जो ओकेजनल पहनने वाले कपड़े थे ना, क्योंकि इनको कौन सा बार बार पिक करना है, ये कभी शादी ब्याह पर। और उसके ऊपर मैं नाइट वेयर जो है अपने रख दूंगी ताकि इनको पिक करना बिल्कुल ईजी हो जाए, नज़रों के सामने हो जाए। ये जगह अब अवेलेबल हो गई। इस जगह पर अब ये जो नए ऑर्गेनाइजर मैंने मंगवाए ना, इनको मैंने एडजस्ट कर दिया, चाहे तो ऐसे रख लें पिक करना ईजी, और चाहे तो आप इनकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज करके वर्टिकली इसको रख लें, तब भी आपको पिक करना ईजी हो जाएगा। ये आपकी चॉइस पर है, आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग और आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप कैसे रखते हैं। ये जगह बच गई है, इसको भी अब हम इस तरह से, जो मेरा ट्राउजर्स वाला था ना उसको मैंने इस तरह से रख दिया ताकि पिक करना ईजी हो जाए। वैनिटी को सबसे नीचे, क्योंकि इसने बहुत बार बार तो खुलना नहीं है, कभी कभी खुलना है, और दुपट्टे भी जो नहीं यूज़ होने वाले ज़्यादा, उसको भी सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख दिया। और उसके बाद दरवाज़ों की बारी आती है, तो जो उसके दरवाजे हैं उसके ऊपर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, इसके सेक्शंस अलग भी हो जाते हैं। तो मैंने ये दुबई आइकिया से लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है। इसमें जितने भी मेरे ये स्ट्रेटनर्स और जितने भी हेयर ड्रायर्स वगैरह एक्सेसरीज़ या मेरा अबाया जो कि मैं कभी पब्लिक प्लेस पर जाऊँ तो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं हैंग कर लेती हूँ। और उसके बाद नेफ्थलीन बॉल्स जो है ना उनको नहीं भूलती कि किसी किस्म की कोई स्मेल, और उसके अंदर एसेंशियल ऑयल भी थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहे वार्डरोब में से, और किसी किस्म के कीड़ों का भी कोई मसला ना रहे। तो दूसरे दरवाजे पर जो डेली यूज़ वाला टावल हैंग करके अब आ जाते हैं अपने ड्रॉअर्स की तरफ। तो ये आपको बताएं ऑर्गेनाइज़र ऑलरेडी उनको इस तरह से प्लेस कर देती हूँ, अंडर गारमेंट्स वाला सैनिटरी पैड और सॉक्स वगैरह। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई वार्डरोब। आपको आई होप पसंद आया होगा। मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा आइडिया आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, कौन सा आप यूज़ करने वाले हैं। हैंगर्स की बात है तो हैंगर्स दराज पर आपको हर तरह के हैंगर्स मिल जाएंगे जो भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो इस फाइनल लुक में मुझे बताएं कि इसमें कोई कमी बेशी है तो मुझे अपनी सजेशंस आप ज़रूर बताएं। आई विल ऑलवेज़ वेलकम योर न्यू सजेशंस, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना और फिर आगे प्रेजेंट करना बहुत पसंद है। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। इफ़ इट्स सो देन न्यू व्यूअर्स कम ऑन एंड सब्सक्राइब वुमेनिया ATF फॉर मोर सच वीडियोज, एंड येस डोंट फोरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस इन टाइम। सी यू सुपर डुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।